अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो जिनकी शादी को भी 2 साल या उससे कम अर्सा गुजरा है और वो कंसीव अगर नहीं कर पा रहे तो इसके लिए अगर एफ़र्ट्स कर रहे हैं या डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जिसके पास भी जाएँ, चाहे जिसके पास भी जाएँ, आपकी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है या आपके एरिया की दाई है, कोई भी आप किसी के पास भी जाएं, तो जब वो आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करें या आपको कोई बताएं मसला, तो आप उनसे पूछें कि आपकी जो सब फर्टिलिटी है, या आप उसको लेबल ना भी करें, आप ये कह लें कि भाई आपके देर से कंसीव करने की वजह क्या है। पहले आप उनसे वजह पूछ लें। जब बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे, मुझे बहुत अक्सर अभी पेरिफ्री में जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, और देख के बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इस बात का कि जो ज़्यादा लोग हैं वो मिसट्रीटेड हैं, यानी कि जिनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, और जिनको दवाइयों की ज़रूरत है वो या तो नहीं ले रहे होते या फिर गलत दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो देख के बंदा परेशान होता है कि भाई ये इस तरह से मिस इन्फॉर्म आप खुद ना रहें। आपका अपना राइट है, आप पूछें, आप जिससे भी आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप उनसे पूछें कि आपने मुझे ये दिया है ये किस चीज़ के लिए है, या मेरी जो मतलब फर्टिलिटी में डिले है, मतलब फर्टिलिटी आप कह रहे हैं, कह लें कि कंसीव करने में डिले आया है, उसके लिए जो आप मुझे ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उस वजह को ख़त्म करे जो जिस वजह से डिले है, बजाय इसके कि वो आपको अपेरेंटली लग रहा हो कि वो दवाई फ़ायदेमंद है। या ऐसे नहीं होता कि जो दवाई आपकी नेबर ने खाई थी वो आप भी खाएंगे तो आप कंसीव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे जो जो पेरिफ्री की फीमेल्स हैं या जो गांव की खवातीन होती हैं, उनके अंदर बहुत रिवाज है कि एक गोली अगर किसी एक बंदे ने दी खाई और उसको अगर वो उसने कंसीव कर लिया है खातून ने, तो वो पूरा गाँव वही खाएगा। तो ये वाले तरीकाकार आप इस्तेमाल ना करें। ये मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं किया, 2 साल से कम आपकी शादी को टाइम हुआ है और अभी आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ में इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें।